महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात है जीवन निर्माण की। जो ध्यान की प्रक्रिया चल रही है उसका एकमात्र उद्देश्य जीवन निर्माण है। व्यक्ति को लोभ समझ आता है, व्यक्ति को स्वाद समझ आता है, व्यक्ति को धन समझ आता है, व्यक्ति को संतान समझ आती है, संसार की जितनी मोह माया है वो व्यक्ति को समझ आती है, परंतु अपना जीवन भी समझ आता है किसी को क्या? बड़ा अच्छा सोचने की बात है, ईश्वर ने इस संसार के सृजन के लिए इन सब प्रक्रियाओं को निर्धारित किया, परंतु जीवन के क्षेत्र में कोई किसी के काम नहीं आएगा। जीवन के क्षेत्र में केवल जीवन ही काम आएगा और कोई दूसरी चीज काम नहीं आएगी। इसलिए जीवन के क्षेत्र की, जीवन की बात सोच करके देखिए। हार्ड मास का दुर्बल काय ये जीव प्राणी शारीरिक दृष्टि से कितना तुच्छ और नगण्य है, सच को देखिए। परंतु मानसिक और बुद्धि की दृष्टि से यह कितना तेज है। मामूली सा जीव जंतु पशु पक्षी जिनके तुच्छ तुच्छ शरीर हैं, वो इसकी पकड़ में नहीं आते, वो इसकी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि ईश्वर ने सबके साथ एक चीज लगा करके रखी है कि मुझे मरना नहीं है। और ईश्वर भी हमको नहीं चाहता हम मरें। अर्थात ईश्वर क्या चाहता है? मैं अमर हो जाऊं। आप क्या चाहते हैं? मैं अमर हो जाऊं। आत्मा क्या चाहती है? मैं अमर हो जाऊं। अब मैं फिर से ये कह रहा हूं, रोक कौन रहा है? जब सब चाह रहे हैं, आत्मा भी चाह रही है, मन भी चाह रहा है, सब ये चाह रहे हैं कि हम अमर हो जाएं, तो फिर आपको रोक कौन रहा है? विचार की शक्ति बड़ी अनंत है। विचार की शक्ति बड़ी अनंत है। उसने मनुष्य को अन्य प्राणियों से अधिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। उसने उपार्जित नहीं किया है उन्हें, बल्कि जो छुपी हैं उन्हें जागृत किया है। विचार की शक्ति की बात कह रहा हूं। आज वर्तमान में आप जो कुछ हैं, आपकी विचार ही तो है। सच को देखो। परंतु मैं ये कह रहा हूं, आप पहचानते हैं लोभ को, आप पहचानते हैं धन को, आप पहचानते हैं पुत्र को, आप पहचानते हैं मकान को। सब बेकार की बातें हैं। उन बुजुर्गों से पूछ करके देखिए जिनकी जिंदगी चौथे पड़ाव में जा चुकी है। उनसे पूछ करके देखिए, अंततः वो एक ही बात लास्ट में समझ आती है और फिर कुछ करना बस की नहीं रह जाता है। ये सब माया है जो संसार के सृजन के लिए ईश्वर ने इसके साथ लगा करके रखी है, पर आपको समझदारी दी है। बस इंसान यही गलती करता है कि अपनी समझदारी का प्रयोग नहीं कर पाता। बस यही इंसान की गलती है। अब मैं ये कह रहा हूं,
ये जो चल रही है ये जीवन निर्माण की प्रक्रिया है, जीवन निर्माण की प्रक्रिया। विचार का प्रथम चमत्कार है जानकारी होना, इसके अगला चमत्कार तब होता है जब विचारना जीवन उद्देश्य के लिए अपने स्वरूप अपने उपयोग की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें प्रवृत्त हो जाए। मैं पूछता हूं, ये सब कुछ शुरू किया गया है काहे के लिए, क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यही है कि जो आपकी शक्ति है उसका सही से आप सदुपयोग कर सकें। क्या आप अपना जीवन निर्माण नहीं करेंगे? अगर करना चाहते हैं तो अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। आज का समय यह है कि आपका दुश्मन कोई नहीं है, आपका विचार ही आपका दुश्मन बनकर के खड़ा हो गया है। आपको समझ नहीं आता, आपको तो वो अच्छा लगता है। नशा करने वाले को नशों में जो उन्माद मिलता है वो किसी दूसरी चीज में नहीं मिलता, और वो उसका आदि हो जाता है तो उसको वो ही अच्छा लगता है, पर पूरे परिवार को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो किसी के लाभ में नहीं है, ना परिवार के ना जो नशा करता है उसके, किसी के हित में नहीं है, बल्कि अपनी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग है, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। और आदमी जब किसी चीज का आदि हो जाता है तो उसी को सब कुछ समझता है। और यही बात है कि आज हम किसी ना किसी चीज के आदि हो चुके हैं। कितना ही बड़ा संत महात्मा बन जाए फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई कमी रहती ही है। जीवन निर्माण का मतलब यह है कि सतत अपनी शक्ति के निर्माण की बात को सोचा जाए, अपनी कमजोरियों को मिटाया जाए। भगवान ने हमें सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान बनाकर के धरती पर भेजा है, इसी मार्ग और इसी प्रयास का नाम ही साफ साफ सुन लीजिए, तत्व दर्शन तत्व ज्ञान और अध्यात्म है, इसी का नाम है। विचार की शक्ति का मूल्य और महत्व जिसे विदित हो गया, जो उसको जान गया, वो अपनी इस ईश्वर प्रदत्त दिव्य विभूति को परम लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयुक्त करता है, उसी में लगाता है। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैंने पहले अभी कहा था कि बात है जीवन निर्माण की। बाह्य कलेवर खड़ा करके हम अगर ईमानदारी से जीवन निर्माण करना चाहते हैं तो इस तरह से वो संभव नहीं है, जब तक आप शक्ति को नहीं पकड़ेंगे, जब तक शक्ति शक्ति को नहीं पकड़ेगी तब तक शक्ति जागृत नहीं होगी।
शक्ति दबी पड़ी है, उसको उभारना है। परम पूज्य गुरुदेव जो भी ध्यान के लिए जो कुछ भी बोलते हैं, उनकी कृपा हमारे लिए उस तरह के वातावरण का निर्माण करती है और हमारी चेतना पर उनकी चेतना काम करती है। अगर उनकी चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ करके हम अपने जीवन को जिए तो उनकी शक्ति का अनुभव अपनी शक्ति के अंदर निश्चित रूप से होगा। परिवर्तन की बात कह रहा हूं, परिवर्तन की बात कह रहा हूं। और मैंने ही कहा है, इसी महा में जो ईमानदारी से जो भी बोला जा रहा है, जो किसी को दोष मत देना, आप सब जानते हैं कि दुनिया में विचार की ताकत है और भगवान की भी ताकत है। भगवान माने आप भी भगवान हैं। अगर आपके विचार श्रेष्ठ हैं और उनका प्रभाव किसी कहिए दुश्चिंतन वाले के ऊपर जाकर के पड़ता है तो वो भी सोचने पर मजबूर होता है कि मुझे भी श्रेष्ठ विचारों को पैदा करना चाहिए। जीवन निर्माण की बात आपसे कह रहा हूं। सच बताइए, किसने आपको रोक करके रखा है? क्यों आप रुके हुए हैं? हमारी कमजोरियां, हमारी बुराइयां ही हमारे सामने आकर के हमारे जीवन को रोकने लग जाती हैं। अच्छा, कितनी देर का काम है ये? बस इतनी देर का काम है कि हमें जीवन की वास्तविकता समझ आ जाए। आज तो गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, खुशामंद करनी पड़ रही है। अंतर यही है कि वो प्रभाव हमारे ऊपर काम कर रहा है जो श्रेष्ठता को हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं होने दे रहा। ईश्वर प्रदत्त दिव्य विभूतियां जब पुण्य श्रेष्ठ सेवा कार्यों में जाकर के जुट जाएंगी, उसके परिणाम स्वरूप जीवन का ढर्रा ही बदल जाएगा। आपका प्रत्येक क्रियाकलाप उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से ओतप्रोत हो जाएगा। उससे आपका हर चीज ओतप्रोत हो जाएगी। अगर आप गुरुदेव से प्यार करते हैं तो उनकी और किसी चीज से प्यार ना करके उनकी विचारधारा से प्यार किया जाए। मेरा गुरु मुझसे क्या कहता है, मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, मानव जीवन का गौरव और आनंद यही है। विचारशीलता का अवलंबन लीजिए, विचारशीलता का अवलंबन लीजिए। और मनुष्य जन्म को सार्थक बनाइए, मनुष्य जन्म को सार्थक बनाइए। अच्छा हो हम अपनी अपनी विचार शक्ति और अपनी जिंदगी की कीमत को समझें, अपनी अपनी विचार शक्ति और अपने जीवन की कीमत को समझें। जीवन से कीमती कुछ भी नहीं है, इससे आप सब कार्य कर सकते हैं पर सब कार्यों से आप जीवन का निर्माण नहीं कर सकते,
श्रेष्ठ विचारधारा से ही आप जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जरा मैं एक बात कहता हूं, मन से लगाना, बोलो मन से लगाओगे ना, आप अपने आप में, ध्यान का मतलब है आप ध्यान करिए, आप अपने आप में सोच करके देखिए, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मेरा जीवन उजड़ रहा है। जो मेरे विचारधारा, जो मेरे कर्म मेरे जीवन को उजाड़ रहे हैं, बस उसको बदलना है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, कितना बड़ा काम है ये और कितने देर का काम है ये। बड़ा काम इतना है, तुमने जग को जीत लिया अगर आपने अपनी उन कमजोरियों को पकड़ करके श्रेष्ठता में बदलना शुरू कर दिया तो आपने पूरे जग को जीत लिया और जीवन निर्माण शुरू हो गया। अपनी शक्तियों को मजबूत बनाइए जो बुराइयों के सामने कमजोर बन करके बैठी हुई हैं, उनको मजबूत बनाइए। अंदर की मजबूती आपके काम आएगी, बाहर का दिखावे में मजबूती नहीं होती है। अच्छा हो हम अपनी अपनी विचार शक्ति और जिंदगी के मूल्य को समझें। अब दूसरी बात कह रहा हूं, आप में से दो अगर कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो एक सी विचारधारा के होंगे कि नहीं होंगे, और जब आपस में मिलेंगे तो अंदर से एक स्पर्धा लगेगी आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की और श्रेष्ठ बनने की। लक्ष्य का निर्धारण करिए और आगे बढ़िए। जीवन के मूल्य को समझिए, अपनी गतिविधियों को देखिए, अपने स्तर और अपने गौरव को समझिए और उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करिए। जो इस बात को समझेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे और अपने जीवन के मूल्य को समझेंगे, वो कभी भी मार नहीं खाएंगे। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास, ब्रह्मवर्चस उपास, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि,
कुंडलनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, जो अभी समझाया उस पर ध्यान दीजिए, जो गुरुदेव बोल रहे हैं। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन सक्रिय करिए सूर्य शक्ति से, विचारधारा मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, विचार शक्ति को उठाइए, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण,
तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। ध्यान दें, वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण आज्ञा चक्र जागरण षटचक्र जागरण कुंडलिनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार ज्वाला में विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में ब्रह्म सत्ता में
चिनगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार विस्तरण जागरण कुंडलनी जागरण। पंचम चरण कुंडलनी का परिवर्तन मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन साधक का सविता में परिवर्तन आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन का महानता में परिवर्तन कामना का भावना में परिवर्तन वियोग का संयोग में परिवर्तन नर का नारायण में परिवर्तन मूलाधार का शास्त्रार में साधक का सविता में क्षुद्रता का महानता में कामना का भावना में परिवर्तन वियोग का संयोग में परिवर्तन नर का नारायण में परिवर्तन परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन कुंडलनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलनी जागरण। महान जागरण आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय
प्रसतो मा सद्गमय, प्रसतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार। जो समझाया है, विचार शक्ति के आधार पर ही आप अपने आप को उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अपनी सोच को इतनी श्रेष्ठ बनाओ कि आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्य कर सकें। लक्ष्य भेद चक्र भेद जो गुरुदेव कहते हैं वो यही है। इसको करें, शक्ति का अभ्युदय करें अपनी विचारधारा में और परिवर्तन के रूप में कर्म में लाएं। समझना, व्यक्ति पहले स्वार्थ से ऊपर उठता है तो परिवार तक जाता है, जब परिवार से ऊंचा उठता है तो समाज से जाकर के जुड़ता है। जुड़ाव तो समाज के साथ हमारे स्वार्थ का भी है। तो व्यक्ति ना परिवार से जुड़ा है ना समाज से जुड़ा है, स्वार्थ से जुड़ा है। हाँ नीलम बेटा, ये सबके ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर तो नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। चलिए आज की बात को यहीं विराम देते हैं। अब आप समझदार हैं, करें।